अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के सामने ब्रेन मसाला बनाने जा रही हूँ। आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा। सिंपल रेसिपी है, बहुत मजे की बनती है। जिसको भी ब्रेन पसंद है उसको ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए आइए मिलकर ब्रेन बनाते हैं। ये ब्रेन मसाला बनाने के लिए मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ब्रेन, ये देखिए ब्रेन है, ये जब भी हमें इसको कुक करना हो तो ये देखिए, ये जो इसमें ये जो छोटी छोटी वेन्स जा रही हैं ये हमने निकाल के साफ कर देना है। ये सब निकाल के इसको साफ करके फिर मैं इसमें इसको बॉयल कर लूंगी। और बॉयल करने के बाद उसमें, बॉयल करते वक्त उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी डालूंगी और फिर इसको, फिर हम इसकी ग्रेवी बनाकर उसमें ये ब्रेन डालकर उसको पकाएंगे। तो इसलिए आप इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि जब भी आप ब्रेन बनाएं तो एक दफा बॉयल करके उसका पानी फेंक दें, तो उसमें जो एक स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। फिर जब आप मसाला बनाएंगे और उसमें ये ब्रेन ऐड करेंगे तो उसमें आपको कोई स्मेल नहीं आएगी। तो चलिए मैं पहले ये ब्रेन को बॉयल करके रखती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि हम इसकी ग्रेवी कैसे बनाएंगे। ये ब्रेन मसाला बनाने के लिए ये मैंने ब्रेन लिया है, मटन का ब्रेन है, दो ब्रेन है। इसको मैंने हल्दी डाल के एक दफ़ा बॉयल करके इसका पानी फेंक दिया है और अब इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे। प्याज एक अदर, चॉप की हुई अनियन, टमाटर, टोमेटोस मीडियम साइज़ के दो लिए हैं, इसको भी चॉप कर लिया है। अदरक लहसुन, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ईच, थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्ची 4 ली हैं, एक लेमन है, हम आखिर में इसमें लेमन जूस डालेंगे, प्लस ये नमक डालेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट, हल्दी 1/4 टीस्पून, टर्मरिक लाल मिर्ची, रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून, और एंड में हम ये गरम मसाला और कसूरी मेथी एंड में बिल्कुल डालेंगे। और ये कुकिंग के लिए ऑयल चाहिए होगा। तो चलिए सबसे पहले हम प्याज फ्राई करते हैं। ये ऑयल गर्म हो गया है, हम इसमें ये प्याज डाल के फ्राई करेंगे और इसको, इसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता इसको फ्राई करेंगे और फिर इसमें टमाटर डालेंगे। ये प्याज लाल हो गई है, हम इसमें ये लहसुन अदरक डाल देंगे, तो अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही टमाटर डाल देंगे। अब इसको कवर करके छोड़ देंगे जब तक ये टमाटर जो है बिल्कुल इसमें सॉफ्ट ना हो जाए। अभी टमाटर और प्याज इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं, हम इसमें ये मसाला डाल देंगे। ये मेथी और गरम मसाला अभी नहीं डालेंगे, बाकी मिर्ची और नमक अभी डाल देंगे। अब इसमें हरी मिर्ची और हरा धनिया भी डाल देंगे। अब ये एंड में इसमें ब्रेन भी डाल देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए इसको अब पकाएंगे और फिर ये ब्रेन मसाला तैयार हो जाएगा। अब हम ये इसमें एंड में बिल्कुल लेमन डाल देंगे, लेमन जूस। और ये मेथी भी साथ में ही डाल देंगे।
अब इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और ये ब्रेन मसाला फिर तैयार है। अब ये बिल्कुल तैयार है, इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको डिश आउट करेंगे। ये ब्रेन मसाला तैयार है, आप लोग इसको जरूर ट्राई करिएगा। सिंपल रेसिपी है, सबको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। कीप वॉचिंग माय वीडियोस एंड फॉर फ्यूचर रेसिपीज डोंट फॉरगेट टू क्लिक बेल आइकॉन। थैंक यू, बाय।